हेलो प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर थर्टी फाइव शेड्यूल टू बी डन ऑन सेवनटीन्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर क्लास सिक्सथ एंड टूडेज़ वर्कशीट इज बेस्ड ऑन सिंपल पास टेंस बेटा सिंपल पास टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस जिसको हम बोलते हैं उस पर बेस्ड हमारी ये वर्कशीट है तो आइए देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको कुछ ये सेंटेंसेस दिए गए जिनको ऑब्जर्व करना है दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड दीपावली ऑन नव फोर्थ नवम्बर इस साल हमने दीपावली चार नवंबर दीपावली का जो त्यौहार है उसे चार नवंबर को मनाया आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे मैं कल स्कूल गई थी इंडिया वॉन द मैच इंडिया मैच जीत गया दे मेट मी लास्ट मंथ वे मुझे वे मुझे पिछले महीने मिले थे तो था थी थे जो काम हो गया है तो उसमें क्या यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है द सेंटेंसेस अबव इंडिकेट दैट समथिंग हैपन इन द पास्ट कुछ है जो भूतकाल में जो पास्ट में हो चुका है ये इंडिकेट करता है इज़ यूज टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हैपनिंग एंड फिनिश्ड एक्शंस जो काम हो गया है द प्रिंसेस डिसाइडेड टू मैरी प्रिंसेस जो है राजकुमारी ने डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेगी आई स्पेंड माई चाइल्ड हुड इन अ व विज पास हैपनिंग है कि मैंने एक विलेज में बचपन मेरा जो है गाँव में बीता इंडिया गॉड फ्रीडम ऑन फिफ्टींथ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन ये सब चीज़ें बता रही हैं कि ये चीज़ पहले हो गई हैं हो चुकी हैं ही सौ डियर फिनिश्ड एक्शन उसने ये एक डियर को एक हिरन को देखा तो देखिए इन सब में अगर आप देखेंगे तो कॉमन जो स्ट्रक्चर है इसका वो स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट फॉर्म कौन सी होती है वी टू वी वन वी टू वी थ्री जैसे हम करते हैं गो वेंट गॉन तो गो वेंट गॉन में ये वी वन है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गॉन तो यहाँ पर वी टू आता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है हमेशा सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट तो इस तरह से देखिए अब हमें ये आई स्टडी द रूल अबव एंड चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ तो यहाँ क्या है स्टडी द फॉर क्वेश्चन वन है स्टडी द रूल अबव एंड चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आपको कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं जिनको आपको कम्प्लीट करना है तो देखिए आई डैश माई होमवर्क यस्टरडे तो यस्टरडे से हमें पास टेंस के बारे में पता चल रहा है तो यहाँ क्या आएगा आई कम्प्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे तो यहाँ पे कंप्लीटेड इसके बाद देखिए नेक्स्ट है द पुलिस डैश द थीफ लास्ट नाइट लास्ट नाइट यस्टडे हमें बता रहे हैं कि पास्ट टेंस में हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा कैच का सेकंड फॉर्म हो जाता है कॉट कैच कॉट कॉट तो यहाँ पर कॉट पुलिस ने कल रात को चोर को पकड़ा हर मदर डैश डिलीशियस फूड इन द मॉर्निंग उसकी मम्मी ने सुबह बहुत टेस्टी खाना बनाया तो कुगड कुक का क्या होता है कुकड कुगड तो आपको वर्ब्स के थ्री फॉर्म्स जो है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होने चाहिए और जितने वर्ब्स का आपको एक्शन वर्ड्स का मतलब पता होगा उनकी थ्री फॉर्म्स पता होगी आप उतने ही अच्छे से टेंसेस को अप्लाई कर पाएंगे मंकी डैश ऑन अ ट्री तो जो बंदर है वो पेड़ पर रहता था तो लिफ्ट सेकेंड फॉर्म लेव की लिफ्ट होती है देन द डैश प्रयागराज इन टू थाउजेंड फाइव दे डैश तो दे डैश टू प्रयागराज दो हजार पाँच में गए तो वेंट गो वेंट गॉन मैंने अभी आपको बताया था तो वी टू क्या होता है वेंट आ टीम डैश द मैच येस्टरडे तो कल बीते हुए कल को यस्टर तो वॉन द मैच सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी विन का वॉन ही डैश टू इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वो वापस आया इंडिया का टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो यहाँ रिटर्न होता है वापस आना आया आ गए वो टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो वो आ गया के लिए क्या होगा रिटर्न सेकेंड फॉर्म ऑफ दर्ब रिटर्न का होता है रिटर्न देखिए इस तरह से आपको ये करना और अपने भी आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस खुद भी बनाइए आपके ग्रामर बुक में भी इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उसको कंप्लीट करिए तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी लास्ट बट नॉट द लीज बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहना है हमें हमें खुद भी सेफ रख रह, रखना है ना और बाकी को भी सेफ रहने के लिए प्रेरित करना है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स टू वॉ फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन वीअर अ मास्क एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.